सोलन में कुछ दिनों से फार्मा कंपनियों को चलाने की जिला प्रशासन ने अनुमति दी है, जिसमें लोग दूर दूर से फार्मा कंपनी के कर्मचारी अब आना भी शुरू हो गए हैं। जिला प्रशासन ने यह अनुमति इसलिए प्रदान की है ताकि जीवन रक्षक दवाइयों की कमी ना हो। आपको बता दें कि बीबीएन क्षेत्र से भारत के साथ विश्व और अन्य इलाकों में दवाई की सप्लाई की जाती है। इसके चलते इन दवा उद्योगों को चलाने के लिए विशेष अनुमति दी गई, जिसमें कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने बताया कि सोलन जिला में दवा कंपनियों को चलाने की अनुमति दी गई है ताकि किसी भी जरूरी दवाई की सप्लाई की किल्लत ना हो। उन्होंने बताया कि कंपनियों को ये दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि वे हर हालत में सोशल डिस्टेंसिंग रखें। उपायुक्त सोलन ने जानकारी देते हुए बताया कि फार्मा कंपनी को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल 50% कर्मचारियों को ही कंपनी में बुलाए। उन्होंने बताया कि जो इस नियम का पालन नहीं करेगा उस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फार्मा कंपनी को हमने दी, यहाँ पे लगभग 25 के करीब फार्मा कंपनी सोलन सब डिवीजन में काम करती है, उनके लिए हमने परमिशन दे दी है। उनसे हमारी बैठक भी हो गई है, उन्होंने उनको ये कहा गया कि 50% जो उनके वर्किंग कैपेसिटी स्टाफ की उस पर कार्य करेगी, क्योंकि डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल 2 मीटर का वर्क प्लेस पर बनाना पड़ेगा, उनका सैनिटाइजेशन करने, इसलिए उनके पास 50% कैपेसिटी वो काम करेंगे और 2 या 3 शिफ्ट में जो उनकी कैपेसिटी उसमें वो कार्य करेंगे। अब लोग यहाँ पे हिल भी ट्रेन है, हर एक घर घर नहीं है, तो उनको एक पॉइंट निर्धारित किए गए, उनको ये कहा गया कि जो उनका वर्कर है वो पास अपना डिस्प्ले करके जाएगा, कर्फ्यू में उसको रोक टोक देंगे। पर सर, जो कंपनीज में सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करनी चाहिए वो मेंटेन नहीं हो रही है? नहीं, उसका चेक कर रहे हैं जी। हमने उसे डिप्लॉय किया, हमने बद्दी में ड्रग कंट्रोलर है, डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्री और लेबर इंस्पेक्टर की टीम बनी है, वो लगातार इसको जाके चेक कर रही है। वैसे यहाँ हमने लेबर इंस्पेक्टर को बोला है, वो जाके इसको सुनिश्चित करें, ये डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल और इसको मेंटेन करें।